प्रत्याशी निकले कोरोना पॉजिटिव। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साढ़ा विधानसभा उपचुनाव में विधायक प्रत्याशी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब जरा सोचिए, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था कि क्या ऐसा तो नहीं कि उपचुनाव के चक्कर में कोरोना को अनकंट्रोल कर दिया जाएगा। सोचिए कितना गंभीर मुद्दा है, क्योंकि विधायक प्रत्याशी के संपर्क में तमाम नेता आए होंगे, पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आए होंगे और वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। लोगों के बीच वो लगातार जा रहे होंगे, संपर्क कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में उनका कोरोना पॉजिटिव आना एक नई चेन को शुरू कर सकता है। बीजेपी प्रत्याशी हैं डॉक्टर रतनलाल जाट जो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जाहिर है कि अब वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के लिए इसको एक झटका भी मान सकते हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी लादूलाल पीतलिया को मैदान में उतारना चाहती है ताकि वो प्रचार कर पाए, वो नहीं कर रहे हैं, वो क्वारंटीन थे, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन अब एक और झटका कि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सवाल इस बीच ये है कि अक्सर नेता जब ये कहते हैं कि उनके संपर्क में जितने भी लोग आए सभी क्वारंटीन हो जाइए, तो क्या मानकर चले कि बीजेपी के ज्यादातर नेता क्वारंटीन हो जाएंगे, अपनी रिपोर्ट कराएंगे? गंभीर मामला, सहाड़ा की जनता के लिए एक मुश्किल वक्त, क्योंकि डॉक्टर रतनलाल जाट जो कि बीजेपी के प्रत्याशी, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। राजस्थान में कोरोना अनकंट्रोल होता हुआ आज जयपुर में 1500 से ज्यादा केस आए। शाम होते होते मानकर चलिए राजस्थान में 6000 से ज्यादा यह आंकड़ा हो सकता है। और इसके बीच में लगातार सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, जनसंपर्क हो रहा है और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीजेपी के लिए एक मुश्किल दौर और जनता के लिए कठिन समय, क्योंकि ना जाने कितनों से मिले होंगे, हजारों की संख्या में लोगों से हर दिन मिला जा रहा है ताकि सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव को जीता जा सके, लड़ाई लड़ी जा सके। लेकिन अब लड़ाई कोरोना से लड़नी पड़ेगी, वो तो यकीनन क्वारंटीन होंगे, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से नेता क्वारंटीन होंगे ये भी सवाल है। हाल ही के दिनों में कई नेता पहुंचे, यहां तक कि बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सहाड़ा पहुंचे थे वोट मांगने के लिए। बीजेपी के नेता सहाड़ा में डेरा डमाए हुए हैं और सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, जनसंपर्क हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्या कोरोना जिस तरीके से राजस्थान में अनकंट्रोल हो रहा है उसके बाद अब नेताओं को भी एहतियात बरतने की जरूरत, क्योंकि चुनाव हारे या जीते कोरोना के खिलाफ जंग को जीतना बेहद जरूरी है। चुनाव के चक्कर में जिंदगियों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। मेरे सहयोगी नवीन जोशी मेरे साथ जुड़ चुके। नवीन, लादूलाल पीतलिया का पहले टेस्ट, फिर कोरोना नेगेटिव और अब रतनलाल जाट कोरोना पॉजिटिव होना बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान। लेकिन मेरा सवाल जनता से जुड़ा है, ना जाने कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, ना जाने कितने बड़े नेताओं के संपर्क में आए होंगे, क्या सभी को क्वारंटीन किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एक लाजिमी सवाल है आपका विजेंद्र, क्योंकि पिछले काफी समय से लगातार जो अपना चुनाव अभियान है ये लगातार जारी रखे हुए थे। नवीन, सुन पा रहे हैं? जवाब दीजिए और ये भी जवाब दीजिए, बीते 24 घंटे में या बीते 48 घंटे में कौन कौन से नेता डॉक्टर रतनलाल जाट से मिले हैं या उनके साथ दिखाई दिए?
विजेंदर, इस पूरे मामले में एक बात बता दूं मैं कि दो दिन पहले ही जो भिलवाड़ा के सांसद है सुभाष बेड़िया, वो खुद पॉजिटिव आ चुके हैं और वो खुद अपने आप को क्वारंटाइन कर चुके हैं और उन्हें बकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी प्राथमिक रिपोर्ट जो आई वो पॉजिटिव के लक्षण है मेरे में और मेरे से जो जो संपर्क में आए कृपया क्वारंटाइन हो जाए। उसके बाद में ही जो डॉक्टर रतनलाल जाट है वो भी सक्रिय हुए, उन्होंने भी अपना जो आज सीटी वीटी के बाद में आज रिपोर्ट आई उनकी सीटी कराने के बाद में उस सीटी रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए। उनको अभी जो जयपुर उच्च चिकित्सा के लिए रेफर किया जा रहा है और वो ये बिल्कुल वाजिब बात है कि वो करीब करीब पूरी विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिस पर रतनलाल जाट ने, डॉक्टर रतनलाल जाट ने अपना दौरा नहीं किया है। अब तक पूरी विधानसभा क्षेत्र को निपटा चुके हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने जनसंपर्क किया, नुक्कड़ सभाएं की और जनसभाओं को संबोधित किया। जी, और बीते 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूं नवीन, कौन कौन से बड़े नेता सामने आए, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि मुद्दे गांव गांव तक पहुंचे ना पहुंचे, मौत का दूसरा नाम कोरोना पहुंचाने की तैयारी कर दी गई है। बिल्कुल विजेंदर, ये बड़ी चिंतावदगत वाली बात है क्योंकि भिलवाड़ा किसी समय में वुहान बन गया था, एक बार वुहान की नज़र से देखा जा रहा था कि भिलवाड़ा कोविड का बहुत बड़ा एक सेंटर बन गया था। जो इस तरह से कोरोना कहर से भिलवाड़ा उभर के बाहर निकला और अब जिस तरह से वापस कोरोना का एकदम जो ये तीसरा दूसरा जो अटैक है ये पूरी तरह से लहर चल रही है और हर गांव में पॉजिटिव इस तरह से सामने आ रहे हैं, इस स्थिति में विजेंद्र ये बड़ी चिंता की बात है और खासे आला नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के वो इनके संपर्क में आए हैं। नवीन, कौन कौन से नेता संपर्क में आए और जब सांसद की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी क्या उसके बाद रतनलाल जाट ने खुद को क्वारंटीन किया या उसके बाद भी सभाएं करते रहे, गांव का दौरा करते रहे? नहीं नहीं नहीं, ये बात तो सही है विजेंद्र कि जब से डॉक्टर सांसद सुभाष बेड़े की रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसके बाद में उन्होंने सारे दौरे बंद कर दिए, अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। मगर जैसे जिस तरह से कह सकते हैं कि जो बीआर चौधरी हैं, जो पूर्व एमएलए हैं और उनके भाई हैं, वो बराबर इनके साथ में थे, वो इनके संपर्क में आए थे और भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव संचालन संभाल रहे हैं वो भी इनके संपर्क में आए थे। तो अभी जिसको देखा जा सकता है एक दबी जुबान में एक हड़कंप सा मचा हुआ है बीजेपी में। बिल्कुल नवीन, हड़कंप बीजेपी में नहीं जनता में भी मचा होगा, ना जाने कौन कहां किस किस से मिल लिया होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, डॉक्टर रतनलाल जाट पॉजिटिव निकले हैं, उम्मीद करेंगे कि ज्यादा लोगों को संक्रमित ना किया हो।